दोस्तों, क्या आपको पता है जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान वह है जिस पर कोई ऋण ना हो, यानी कि जिस पर कोई कर्ज ना हो। और हमारे दोस्त, यहाँ पर युधिष्ठिर केवल धन की बात नहीं कर रहे हैं, उनके कहने का तात्पर्य समस्त प्रकार के कर्ज। और मेरे दोस्त, जीवन में सबसे सुखी इंसान वही है जिसको यह पता चल गया है कि पृथ्वी पे कोई भी सुखी नहीं है। आप कहीं भी रहोगे, समस्याएं आएंगी, समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे पैसा बहुत सारा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की सामाजिक व घरेलू समस्याओं से पीड़ित होते हैं। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है, पैसे वाले भी सुखी नहीं हैं। बोलते हैं ना, मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वह कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। दोस्त, क्लास में एक टीचर बच्चों से पूछता है कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है। सबका अलग अलग जवाब होता है। कोई बोलता है जिसपे पैसा है वह सुखी है, कोई बोलता है जिसपे परिवार है वह सबसे सुखी है, कोई बोलता है कि जिसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं वो सबसे ज्यादा सुखी है। एक बच्चा बोलता है, गुरु जी सबसे सुखी इंसान वह है जिसके पास इच्छा ही नहीं है। क्या बोला उसने कि सबसे सुखी इंसान वही है जिसके पास इच्छा ही नहीं है। वह ना तो कुछ पाने की कोशिश करेगा और ना ही कुछ सोचेगा, तो जितना है उसके पास वह उतने में ही खुशियां ढूंढेगा। आज आपके पास जो भी है आप उसी में ही खुशियां ढूंढने की कोशिश करो। मेरे दोस्त, इतना जरूर होना चाहिए कि सपने बड़े होना चाहिए। और मेरे दोस्त, की इच्छाएं हमेशा बदलती रहती हैं। बड़ा पाने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कुछ बड़ा पाना है तो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, एक छोटे से बालक को देखो, वो सदा अपनी मस्ती में रहता है क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। अगर आपके मन में संतोष है तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। सबको खुशी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे वह जरूर हमारे हाथ में है। तो बस यार दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूं शुभम।